show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh god, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. आप सभी दोस्तों का स्वागत है नए व्लॉग में और हम हैं आपको लेकर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये आप बाहर से देख सकते हैं, ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और ये वेटिंग हॉल आप ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मुंबई सेंट्रल का। और हम जा रहे हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, और ये हम पहुँच चुके हैं ये तेजस एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई नई दिल्ली यहाँ पर खड़ी हुई है। 1.5 घंटा पहले दोस्तों ये ट्रेन आ जाती है। तेजस एक्सप्रेस खड़ी हुई है दोस्तों यहाँ पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ये निकलेगी। शाम को 5 बजे उसका टाइम है। तो दोस्तों हमारा जो कोच है B6 है, और तो चलिए आपको उसके अंदर आपको लेकर चलते हैं। और दोस्तों ये डोर है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जैसे ही, और हम आपको लिए चलते हैं। देख सकते हैं आप लाइट इंडिविजुअल सभी के लिए दी गई है। 5 बज चुके हैं और ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पर दोस्तों मुंबई सेंट्रल से छूट चुकी है, और ये मुंबई सेंट्रल का खूबसूरती हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से पूरा दिल्ली तक का सफ़र हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, ये तेजस एक्सप्रेस मुंबई राजधानी। और ये यहाँ मुंबई सेंट्रल का ये दृश्य आप देख सकते हैं। बारिश के कारण थोड़ा सा कांच वो हो चुका है। मुंबई में बारिश जो है आती है जाती है, आती जाती रहती है, 3-4 महीने बारिश होती है दोस्तों। और ये परेल स्टेशन के आसपास लोअर परेल से होके हम आपको लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, मुंबई की बिल्डिंग्स को आप ये देख सकते हैं। और शुरुआत में थोड़ा सा डल जा रहा है वीडियो, लेकिन आप आगे वापस से बेहतर देखेंगे क्योंकि ये खूबसूरत दृश्य है, इसलिए हमने इनको कट नहीं किया है दोस्तों। और ये आप ये देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, मुंबई की खूबसूरती को आप। और तो चलिए हम दूसरी दिशा में बैठ के आपको जल्द से जल्द आपको दिखाएंगे। और दोस्तों ये जो ट्रेन है मुंबई सेंट्रल से चलती है तो बोरीवली रुकती है, बोरीवली के बाद में सूरत, बड़ौदा, और उसके बाद में दोस्तों रतलाम, नागदा, कोटा और फिर नई दिल्ली। सिर्फ मात्र 6 स्टॉपेज है। ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं ये बांद्रा, मुंबई का बांद्रा दोस्तों। और किसी भी स्टेशन पर ये मुंबई में तो रुकेगी नहीं, सीधा बोरीवली जाकर रुकेगी। बोरीवली के बाद में सूरत इसका स्टॉपेज है, मात्र 6 स्टॉपेज दोस्तों। और ये बांद्रा की खूबसूरती, ये गेटी गैलेक्सी थिएटर बांद्रा का, यहाँ पर सलमान शाहरुख खान की सभी फिल्में यहाँ पर लगती है। और ये देख सकते हैं हार्बर लाइन और वेस्टर्न लाइन का खूबसूरत और मनोहर दृश्य। और ये ट्रेन बड़ी ही तेज़ी से जाती हुई दोस्तों, ये अंधेरी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं अंधेरी दोस्तों, जो कि मुंबई शहर के फिल्मों के ऑफिसेज यहीं पर बसे हुए हैं। और पूरी जानकारी साथ में हम आपको देते हुए चल रहे हैं दोस्तों। ये मुंबई शहर की खूबसूरती भी आप देख रहे हैं। और इसके पश्चात दोस्तों अब हम आपको ये गोरेगांव लेकर आ रहे हैं, गोरेगांव क्रॉस कराते हुए जो मेन जगह है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, ताकि आप भी बोर ना हो। और ये जर्नी
बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। बीच बीच में सारी जगहें हम आपको बताते रहेंगे, जो जो भी जगह आ रही है। तो पूरा का पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी दोस्तों मिलेगी और खूबसूरत और मनोहर दृश्य का आप आनंद लेंगे। ये मुंबई लोकल, हम पहुंच चुके हैं ये बोरीवली स्टेशन और मात्र 20 मिनट में ही मुंबई सेंट्रल से बोरीवली ये ट्रेन आ चुकी है और यहाँ से मोस्टली जितनी भी सवारी रहती है दोस्तों, पैसेंजर्स जितने भी रहते हैं यहाँ से पूरे चढ़ जाते हैं, उसके पश्चात ट्रेन कंटिन्यू अपना सफ़र तय करती है। और यहाँ पर जो स्टॉपेज है मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है इस ट्रेन का सभी स्टेशनों पर। ज़्यादातर बस बड़ौदा में ये 10 मिनट का स्टॉपेज है और ये समुद्र के ऊपर से दोस्तों ये ट्रेन जाती हुई बहुत ही खूबसूरत, ये आप दोनों तरफ का दृश्य हम आपको ये दिखा रहे हैं। और ये आप खाड़ी, इसको बोलते हैं भाईंदर की खाड़ी दोस्तों। और यहाँ पर हम बहुत बार शूटिंग के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और ये पूरा वसई रोड स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों ये हम आपको लेकर। और इसके पश्चात जो है ये नाला सोपारा, मुंबई में बड़े अजब गजब नाम के स्टेशन हैं। और इसके पश्चात दोस्तों विरार आ जाएगा, विरार स्टॉपेज नहीं है इसका, ये यहाँ पर बहुत ही फेमस जीवदानी मंदिर है यहाँ पर, और माता जी का मंदिर है बहुत। ये पहाड़ी के ऊपर आप ये देख सकते हैं, हम जूम करके दिखा रहे हैं हमने वीडियोस में। अगर यहाँ विरार के पूरा यहाँ पर आप घूमना चाहते हैं तो उसके वीडियो हमने ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया चैनल में डाल रखे हैं और इस वीडियो में भी लिंक आपके लिए डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये नाश्ता यहाँ पर ये दिया जाता है दोस्तों। राजधानी के सफ़र में बहुत ही आनंद आ जाता है, आपको खिलाते पिलाते मस्त लेकर जाती है दोस्तों ट्रेन। इवन आपको पानी की बॉटल भी नहीं ख़रीदनी पड़ती है और बहुत ही अच्छा सफ़र, अच्छा खान पान के साथ में पूरा सफ़र आप तय कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही आनंद में। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये LED स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, कितने किलोमीटर बचा है। सूरत जो है 117 किलोमीटर बचा हुआ है दोस्तों, और पूरा यहाँ पर LED स्क्रीन पे पूरा आने वाले स्टेशन के नाम भी यहाँ पर आते रहते हैं। और मुंबई सेंट्रल से ही मतलब पैक होके चलता। और ये यहाँ पर दोस्तों खाना जो है पूरा गरम गरम खाना मिलता है और हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं ये सूरत स्टेशन। और सूरत में भी दोस्तों यहाँ पर जो है 2 से 3 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पर ये डिनर की पूरी तैयारी चल रही है दोस्तों। ये आप ये देख सकते हैं डिनर की पूरी तैयारी, वेज या नॉन वेज जो भी आप लेना चाहते हैं सब ले सकते हैं और अपना आनंद कर सकते हैं। फिर सुबह हो चुकी है दोस्तों, सुबह होने के पश्चात ये यहाँ पर सर्व किया गया ब्रेकफास्ट और बहुत जल्द ही हम आपको लेकर बस दिल्ली पहुँचेंगे। और ये आप ये देख सकते हैं अभी यहाँ से जो दिल्ली की जो दूरी है दोस्तों, यहाँ से 47 किलोमीटर अवे है और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन मॉर्निंग हो चुकी है। गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर स्पीड के हिसाब से चल रही है, इसमें पूरी स्पीड लिमिट भी आती रहती है। इस गाड़ी की जो स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है दोस्तों, राजधानी की जो स्पीड है। और ये हर स्टेशन से क्रॉस होते हुए मथुरा भी नहीं रुकती है और सीधा फटाफट आप को बिल्कुल खिलाते पिलाते पूर्ण आनंद के साथ में दोस्तों ये नई दिल्ली तक का सफ़र तय कराते हैं। और ट्रेन की जर्नी बहुत ही शानदार लाजवाब है दोस्तों। और ये हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को क्रॉसिंग ये समझ लीजिए, हम लोग दिल्ली की सीमा में एंटर हो चुके हैं। ये यहाँ पर आप ये निज़ामुद्दीन स्टेशन के पास में हुमायूँ का मकबरा को आप देख सकते हैं, ये प्रगति मैदान।
और ये दिल्ली की सीमा के अंदर बिल्कुल हम प्रवेश कर चुके हैं। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने से पहले ये कनॉट प्लेस का जो है ब्रिज पड़ता है, और दोस्तों ये कनॉट प्लेस और ये यहीं पर जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हम लोग ये पहुंच चुके हैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं दोस्तों ये यहाँ पर नई दिल्ली बस रेलवे स्टेशन आने में ही है। और ये कनॉट प्लेस के खूबसूरत ये यहाँ का आप इस जगह को आप ये देख सकते हैं। और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो बहुत ही विशाल है दोस्तों, क्योंकि पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ से ट्रेनें जाती हैं। और ये आप देख सकते हैं नई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप भी हमारे साथ में, ऐसा लग रहा होगा कि आपने इस सफ़र में और हमने आपको जानकारी दी। और ये तेजस एक्सप्रेस आ चुकी है दोस्तों न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों दूसरे दिन हम लोग सुबह 8:30 नई दिल्ली स्टेशन आ चुके हैं। दिल्ली का स्टेशन आप देख सकते हैं कितना विशाल है, बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों नई दिल्ली का। और यहाँ से पूरे इंडिया के लिए यहाँ से जो है ट्रेनें यहाँ से जाती है, एक से एक ट्रेन। तो हम आपको लेकर आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम आपको देखते हैं किस दिशा की ओर चलते हैं। मुंबई से कल हम शाम को 5:00 चले थे और यहाँ पर सुबह 8:30 तेजस एक्सप्रेस ने यहाँ पर उतारा ये दिल्ली। तो ये पूरा न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन बाहर से आप ये देख सकते हैं। और हम आपको, ये सफर जारी रहेगा। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।